हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ एस के शाह। और आज के इस क्लास में हम पावर सिस्टम के बारे में, सबसे पहला क्लास है इस यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स के माध्यम से, तो हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हम लोग पूरे इस सेशन में पावर सिस्टम के कौन कौन से टॉपिक को हम लोग टच करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में वीडियो जारी करेंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है एक, कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पूरे सेमेस्टर में, इंटायर सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अगर हम सिर्फ टॉपिक को ही डील करते रहें तो हमें ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा कि हमारा सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पूरे वीडियो को आप लोग देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ना चाहेंगे इसमें, यानी कि क्या पढ़ना है सबको, स्टूडेंट्स को। और इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये मेरा पीडीएफ है, आपके पास अगर ये पीडीएफ नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने वेबसाइट में जाकर, जो भी आपके बोर्ड का वेबसाइट है उसमें जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पावर सिस्टम वन का हमें सिलेबस आज देखना है, और पिछला जो भी मशीन का था इसमें हम लोग पावर सिस्टम वन का देखेंगे। तो सबसे पहले कोड हम लोग मिला लें, सब्जेक्ट कोड क्या है, ELE 406, यानी ट्रिपल ई ब्रांच का ये पावर सिस्टम का सिलेबस है, ठीक है ना। इसमें फुल मार्क्स 100 है, 80 मार्क्स आपके एग्ज़ाम होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि कॉलेज कंडक्ट कराती है। आइए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जो भी पावर जनरेशन, हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं उसका प्रोडक्शन जब होता है, तो उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज रखना है कि हमारे पूरे डेली लाइफ में, हम यहाँ टॉपिक वाइज भी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल पावर का हमारा क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, और हमें कितना डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका थ्योरी नॉलेज हम लोगों को रहना चाहिए क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप एज्यूम भी करें कि आपके घर में बिजली है, करंट है, तो आप उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, एनर्जी जो होता है उसका डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी कि सभी एनर्जी सोर्सेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कौन सा ज़्यादा एडवांस है, कौन सा ज़्यादा हम लोग बेनिफिशियल है, और कौन सा ज़्यादा हमारे लिए प्रयोग में काफ़ी आसानी से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है पावर क्राइसिस इन इंडिया एंड फ्यूचर ट्रेंड, यानी कि पावर क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में पावर क्राइसिस का क्या ट्रेंड है या फ्यूचर ट्रेंड में कैसा इसका हालात होने वाला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओवर व्यू ऑफ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, तो ये एक ओवर व्यू है पावर जनरेशन का, लेकिन नेक्स्ट जितने भी चैप्टर है पूरा पावर जनरेशन के बारे में हम लोग, पावर स्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये था एक बेसिक एंड जनरल जो भी नॉलेज हम लोगों को रखना है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा ड्रॉ टूल लेता हूँ जिसके वजह में मैं ड्रॉ करके भी आपको बता सकता हूँ। तो सेकंड जो चैप्टर है मेरा वो है थर्मल पावर स्टेशन। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि जो भी एक बेसिक पावर जनरेशन का जो भी हम लोगों ने लिया हुआ था वहाँ पे, उसके बाद हम लोग थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे थर्मल या स्टीम जो भी पावर स्टेशन कहीं भी सिचुएट होता है, तो वहाँ पे उसका कितना कैपेसिटी होता है, और कैपेसिटी के बाद उसका कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला लिस्ट ऑफ पावर स्टेशंस इन स्टेट विद देयर कैपेसिटी, यानी कि हम लोग को एक लिस्ट तैयार करना है, बनाना है, तो हम लोग इसका लिस्ट दे देंगे, इंटरनेट में भी इसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, और उसके बारे में कितना उसका पावर है, कैपेसिटी है उसका, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
दूसरा पॉइंट है इसका सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर थर्मल पावर स्टेशन। जब भी हम लोग कोई भी पावर स्टेशन हम लोग सिचुएट करते हैं तो एक सिलेक्शन साइट का एक प्रोसेस होता है, यानी कि किस तरह का हम लोगों को लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, कितने दूरी के यानी कि कितना बड़ा हम लोगों को जगह चाहिए उसके सिचुएशन के लिए, कौन से एरिया में हमारे सोर्स जो भी है जैसे वाटर सोर्स वगैरह जो भी होगा उसका अवेलेबिलिटी ईजिली होगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग पावर सोर्स हम लोग क्या करते हैं चूज़ करते हैं, तो फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है कि लेआउट एंड वर्किंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन विथ ब्लॉक डायग्राम। इसके लेआउट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि थर्मल पावर स्टेशन कैसे अरेंज्ड रहता है, उसके इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे रहते हैं और उसका वर्किंग कैसे होता है, यानी कि वो कैसे वर्क करता है हम लोग कैसे उसका, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग टोटल हम लोग पढ़ेंगे उसका ऑपरेशन वगैरह। तो ऑपरेशन पढ़ेंगे किसका किसका, बॉयलर का, इकोनोमाइज़र क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, सुपर हीटर, बाकी जितने भी हैं हम लोग इसका पूरा प्रोसेस के अंदर में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वालिटी ऑफ फ्यूल एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि जो भी क्वालिटी का हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें, जो भी बर्न करने के लिए या उसको जलाने के लिए, जैसे थर्मल पावर स्टेशन में हम लोग कोल का यूज़ करेंगे, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, हम लोग कितना वैल्यू में यूज़ करेंगे, कितना आउटपुट निकलता है, ये सब का कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे। बाकी नेक्स्ट है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ थर्मल पावर, यानी कि थर्मल पावर स्टेशंस का हम लोग मेरिट भी पढ़ेंगे और उसका क्या डिमेरिट है वो भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका कहाँ कहाँ उपयोग है और प्रयोग है। तो ये सब बातें थी हमारा अब थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि मेरा नेक्स्ट जो भी है चैप्टर उसके बारे में, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड चैप्टर है मेरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये मेरा थर्ड है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरह जितना भी पहले हम लोग इसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, इसके बाद उसका सिलेक्शन साइट कैसे होता है, इसके बाद प्रोसेस क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अकॉर्डिंग, ये प्रोसेस होता है उस पे, तो वो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम लोग दिखाएंगे और वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एक ब्लॉक के माध्यम से छोटे छोटे बॉक्स के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं, उसके सेक्शन को दिखाते हैं और सेक्शन के साथ साथ हम लोग दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन सिचुएट होता है, और फिर उसके अंदर में भी अगर कोई वैसा मेन पार्ट होता है तो उसको भी हम लोग ब्लॉक के द्वारा दिखाते हैं और उसमें हम लोग दर्शाते हैं कि इसका प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाता है और फिर इसमें हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम का एक प्रक्रिया हुआ जिसको समझने में हमें काफ़ी आसानी होता है अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके बताएं तो। नेक्स्ट हमको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बारे में भी पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ही यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कहीं भी कोई भी पावर स्टेशन होता है जहाँ भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, किसी भी टाइप का, तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसी तरह एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम लोग पढ़ेंगे इस पावर प्लांट का, और लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन स्टेट एंड कंट्री विद देयर कैपेसिटीज हम लोग इसके बारे में भी एक लिस्ट सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सा पावर स्टेशन कितना वैल्यू का पावर जनरेट करता है और वो कैसे यूज़ होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, सॉरी इसको मिटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रो पावर स्टेशंस। तो पावर स्टेशंस का ये चौथा चैप्टर है आप लोगों का पावर प्लांट के एवज में, यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशंस है, तो इसमें हमको भी उसी तरह पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ साइट कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, इसके बाद लेआउट ऑफ इसका भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग लेआउट भी देखेंगे और वर्किंग भी देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं और उस कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है। टर्बाइन्स जैसे होते हैं इसमें जनरेटर होते हैं, तो इस टर्बाइन के बारे में जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे वहाँ पे। मेरिट्स डिमेरिट्स इसके बारे में भी जानेंगे और लिस्ट भी हम लोग क्रिएट करके
फिर सिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल कुछ कुछ हम लोग सॉल्व भी करेंगे इसमें, ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5 में डीजल एंड अदर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो अदर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मतलब है कि जो भी हम लोगों ने ऊपर में पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस किए, तो नीचे डीजल पावर स्टेशन क्या होता है, और इसके बाद अदर्स में कुछ और आ जाते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स में, जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियो थर्मल है ना, तो इसके बारे में भी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसको एक ही पीडीएफ को, क्योंकि पेज ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एलिमेंट्स कौन कौन सा यूज़ होता है यानी कि डीजल पावर इलेक्ट्रिक प्लांट में, और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, फिर इसको मेंटेनेंस करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके बारे में एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे। चार्ट अदरवाइज आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इसके वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हर दिन प्रत्येक दिन और डेली वाइज हम लोग एक चैप्टर यहाँ पे देने वाले हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर चर्चा करते रहेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग को मेरिट्स डिमेरिट्स एप्लीकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कि इसका क्या यूज़ है ये, और इसको कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद परफॉर्मेंस एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, इसमें कितना लोड तक हम लोग इसका आउटपुट को हम लोग सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अदर पावर प्लांट के बारे में अगर बात हो, तो सोलर पावर प्लांट, जो कि हम लोग सोलर पैनल या प्लेट्स वगैरह से हम लोग आउटपुट लेते हैं यानी इनपुट लेते हैं और आउटपुट को हम लोग यूज़ करते हैं, और विंड पावर प्लांट, इसके बाद टाइडल, इसके बाद जियो थर्मल पावर प्लांट, ये सब के बारे में भी हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत ही आसान ये सब है टॉपिक, जितना भी है इतना आसानी से आप लोग समझोगे कि वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़रूर इसको समझ पाओगे जितना भी है। तो चलिए और नीचे हम लोग चलते हैं 6th, 7th और 8th जो भी है, इसके बाद कुछ बुक का भी सजेशन हम लोग देंगे वीडियो के लास्ट में, कि कौन सा बुक आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो 6th चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, 6th में पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी कि इकोनॉमिकली जब भी हम लोग कॉस्ट लगाते हैं, खर्च करते हैं, और कितना आउटपुट में हमें एनर्जी मिलता है, कितना मतलब प्रोडक्शन में हमको कितना मिलता है प्रोडक्ट, उसका आउटपुट में उसको हम लोग फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो इन सब के बीच में जो भी कॉस्टिंग होता है हमारा, पैसे जो भी लगते हैं किसी के बीच में, है ना, इक्विपमेंट्स में खर्च हो या लैंड्स रिक्वायरमेंट में खर्च हो या मेंटेनेंस में खर्च हो, टोटल का कैलकुलेशन इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा और हम लोग जानेंगे भी इसके बारे में। तो इसमें कुछ जो भी है, कनेक्टेड लोड, फर्म पावर, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, इसके बाद स्पेनिंग रिवर्स, इसके बारे में हम लोग जो भी कॉमनली यूज सिस्टम ऑपरेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोड कर्व है, लोड ड्यूरेशन कर्व है, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि समय के अकॉर्डिंग कितना हम लोड दे रहे हैं, मेरा आउटपुट कितना जा रहा है उसमें, और कितना लोड में खर्च हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ सिंपल जो भी है डिमांड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, ये सब क्या होता है, पावर प्लांट का कैपेसिटी क्या होता है, फैक्टर कहाँ कहाँ वो डिपेंड करता है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर, टोटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये हुई बात इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के बारे में। आगे नेक्स्ट है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इसके बाद नीचे सब स्टेशंस है, तो इसको एक ही साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्शंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का यूज़ हम लोग करते हैं, बेस लोड क्या होता है, पीक लोड्स क्या होता है, लोड्स एलोकेशन अमॉन्ग वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस
कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम लोग इंटरकनेक्ट करके उसको लोड शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं बिटवीन पावर स्टेशंस के बारे में। सपोज़ कोई एक पावर स्टेशन को दूसरे पावर स्टेशन के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और उसका टोटल हम लोग उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। और हमारे स्टेट नेशनल लेवल में कौन कौन से पावर स्टेशंस को हम लोगों ने इंटरकनेक्ट किया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में है यहाँ पे सब स्टेशंस, यानी सब स्टेशंस क्या होता है, पावर प्लांट्स के बाद जो भी जनरेशन होता है, जैसे पावर प्लांट से यहाँ पे हम लोग जनरेट कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोटे छोटे स्टेशंस या सब स्टेशंस, स्टेशंस में इसके बाद सब स्टेशंस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे सिटी में, या तो सिटी के अंदर में भी एक छोटा छोटा सब स्टेशंस हम लोग सिचुएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन, यानी कि इंडोर के रूप में जब हम लोग सब स्टेशंस बनाते हैं और आउटडोर के बनाते हैं तो उसके रूप में क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ना है, यानी कि छोटा छोटा मेंटेनेंस जो भी होता है हमारे सब स्टेशंस में, और जो भी एडवांटेज होता है कि इसके सब स्टेशंस को लगाने में हमारा क्या रोल होता है, यानी कि हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट करने से, अगर हम लोग डायरेक्ट पावर प्लांट से डिस्ट्रीब्यूट करते तो मेरा क्या लॉस होता और उसमें क्या फ़ायदा होता, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब भी यहाँ पे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकालेंगे। एक्चुअली हम लोग डिसएडवांटेज और एडवांटेज जब भी निकालते हैं किसी के लगभग कंपैरिजन में निकालेंगे, ताकि हमें ये भी समझ में आएगी अगर वो पावर प्लांट रहता तो उसके बीच में क्या कंपैरिजन, यानी कि क्या हमको ज़्यादा फायदा और क्या हमें नुकसान वहाँ पे होता, है ना। इसके बाद सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ साइट, यानी कि जो भी बिजली का सब स्टेशंस बनाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे शहर में भी, आप जिस शहर में रहते हो शहर में भी आपके लिए सब स्टेशंस वगैरह बनाए होंगे जहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो उसको सिलेक्शन ऑफ साइट हमारा कौन से लोकेशन पे होना चाहिए और उसका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी प्रोसेस में पढ़ेंगे। मैन कनेक्शन स्कीम, यानी कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके बारे में, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं वहाँ पे, सर्किट्स एलिमेंट्स लगते हैं सब स्टेशंस में उसके बारे में, फिर वहाँ पे इनकमिंग कैसे आता है सब स्टेशंस में, कैसे पावर स्टेशन से जनरेट होके आता है, फिर आउटगोइंग लाइन, यानी कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग किस तरह से उसका लाइन्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसके बारे में, ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे कुछ कुछ बड़े बड़े पार्ट्स यानी कि मशीन से जो लगे हुए होते हैं, सीटी पीटी यानी कि, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद रिलेज हो गया, सीवीज हो गया, फ्यूज़ हो गया, आइसोबार, ठीक है ना, आइसोलेटर्स होता है, ये सब हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैटरीज होता है, ठीक है ना, लाइटनिंग अरेस्टर्स होता है जो कि कभी बिजली वगैरह चमकता है या गरजता है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको लगाना क्यों ज़रूरत होता है। इंसुलेटर्स है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये सब टोटल पार्ट्स ऑफ मशीन्स वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे। बस बार्स क्या होता है, बस बार्स कौन से मटेरियल से बने होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स जानेंगे, और कनेक्शन डायग्राम एंड लेआउट ऑफ सब स्टेशंस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है मेरा चैप्टर नंबर 8 के बारे में, तो ये टोटल मेरा इंटायर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि पावर स्टेशंस के बारे में सिलेबस। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको बेसिक भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है सिलेबस के बारे में, तो आगे चलते चलते आपको समझ में नहीं आएगा एक दो चैप्टर के बाद कि हमें आखिर पढ़ना क्या है और हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, कौन सा टॉपिक मेरा ब्रॉड सेक्शन में पढ़ना है। तो इसके बारे में जानकारी आप सभी को होना चाहिए, इसीलिए मैंने पावर स्टेशन, ये जो भी है थर्मल पावर स्टेशन, ये सब के बारे में भी डिस्कस करना है वीडियो में, और ये टोटल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया पावर सिस्टम 1 का, आपके 4th सेमेस्टर के जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में देखा, और कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से जब भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी टिप्स को, और इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे एक कोई भी चैप्टर ले लेते थर्मल पावर स्टेशंस के बारे में ही, तो
इसमें 7 टॉपिक है, तो 1 घंटे में या 1 वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होता है कि थर्मल पावर स्टेशंस को ओवरऑल कंप्लीट कर दिया जाए। तो हम लोग वीडियोस के दो चार, एक सीरीज में यानी कि 2-4-5 वीडियोस का एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन अलग अलग चैप्टर के 3-4 वीडियो करके, ताकि आसानी हो समझने में। एनिमेशन के माध्यम से, कुछ वीडियोस के माध्यम से, कुछ डायग्राम्स के माध्यम से हम लोग वीडियो को कवर करेंगे, और ताकि उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोग इस सिलेबस का PDF ज़रूर देखें, साथ में आपके होना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि इस सिलेबस को आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके नज़र में होना चाहिए यह सिलेबस, ताकि आप जब भी कवर करो सिलेबस को तो आप खुद भी कवर करो कि मेरा पहला चैप्टर का ये सब पॉइंट मेरा हो चुका है, और उसको रिव्यू के लिए फिर हम लोग कब टाइम देंगे। तो रही ये बात, आज सिलेबस के बारे में डिस्कस हुआ, कल हम लोग फिर मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जब भी आएगा, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। अगला वीडियो जब भी होगा आप सभी के लिए होगा, और इसके बाद आपको कोई और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए और सब्जेक्ट पे डिस्कशन चाहिए, नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।